इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड एग्जाम में लास्ट बार जब ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जैसे कि आपको जैसे कि मालूम है जुलाई के लास्ट वीक में आपके छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का एग्जाम है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछे जाएंगे ये आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये सीरीज कराने के बाद आपको मैं टॉपिक वाइज राजस्थान के करंट अफेयर भी करवाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर भी कोर्स में है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन करिए ताकि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड से जुड़ी क्लास जब भी मैं लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसकी PDF आपको 1K व्यू क्रॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड में लास्ट बार क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछे गए थे और इस बार भी आपका लेवल वही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या उपयोग में से कोई नहीं। तो जब राज्यपाल अनुपस्थित होते हैं तो उनके दायित्व का जो निर्वहन है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण का है। आपको बताना है कथन क्या सही है या कारण सही है या दोनों सही है। तो कथन आपका दे रखा है राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है और कारण दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो ये तो गलत है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है। बाकी कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ए सही है पर आर है वो क्या है गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल का दे रखा है कि कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं के बारे में, अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। तो कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें आपका जो 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं यह सही सुमिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दूसरा दे रखा राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तीसरा दे रखा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। और चौथा दे रखा भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर की बात करें तो दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा चौथा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद वो जवाबदेही किसके होती है, वो आपके होती है राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानित क्रम यानी कि उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले आपको जो उच्च पद है वो बताना है, उसके बाद उससे नीचे वाला पद उस क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपके पास लिखा हुआ सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव, सहायक सचिव। इसका आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ डेली आपके इस YouTube चैनल पर तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मैं बता देता हूँ, सबसे जो उच्चतर पद होता है वो सचिव का होता है, सचिव के बाद होता है विशिष्ट सचिव का, विशिष्ट सचिव के बाद होता है उप सचिव का और उप सचिव के बाद होता है सहायक सचिव का। पहला तीसरा दूसरा चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाध्यक्ष का नहीं है। राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव। तो इसमें से जिलाध्यक्ष का कार्य नहीं है वो आयकर का एकत्रीकरण,
कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये कार्य जिलाधीश का नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो बलवंत राय मेहता समिति है, ये आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 टी, 244 से 244 पी, 243 से 243 ओ या 243 से 243 जेड ए। तो इसमें से अनुच्छेद जो पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था वो आपका आंसर राइट हो जाएगा 243 से 243 ओ, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो पंचायती राज व्यवस्था है यह आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है या राज्यपाल को उसके विघटन का अधिकार है। तो राज्य विधानसभा के बारे में बात करें तो राज्य विधानसभा के बारे में इसका समय कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये एकदम सही है। इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये भी सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी सही है। लेकिन इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है। राज्य विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यानी कि इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का पूछा गया, क्योंकि 2016 का पेपर है तो तब का करंट अफेयर ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस। तो राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी में आपको भारत को वर्ल्ड कप मिला था। तो इस बार 2024 में आपको क्रिकेट में भी भारत को वर्ल्ड कप मिला है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाकी करंट अफेयर की क्लास भी मैं लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, ग्रीन पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? वो आपके थे रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2014, 1 नवंबर 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016। तो नीति आयोग है वो अस्तित्व में कब आया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 से, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचअप है, एक साइड पर्वत प्रकार है और दूसरी साइड क्षेत्र है। अब मैचअप वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में समय बचा सकते हैं, तो कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है? ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जिसमें एक ही है, जैसे कि बी। देखिए बी में सभी ऑप्शन में अलग अलग आंसर है, तो आप डायरेक्ट बी ही चेक कीजिए। जहाँ एक साइड पर्वत प्रकार लिखा हुआ प्राचीन वलित, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। बी का पहला आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इसलिए बाकी के ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार आपको मालूम है नया रूल है 10% वाला, कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए एग्जाम से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि पेपर में 120 क्वेश्चन है तो उसके 10% 12 होते हैं, यानी कि 12 से ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। और 12 से कम खाली छोड़ने पर एक तिहाई क्वेश्चन नंबर के एक तिहाई के हिसाब से आपके नंबर कटेंगे। इसलिए खाली तो एक ही नहीं छोड़ना, अगर नहीं आ रहा तो आपको पाँचों ऑप्शन है वो फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पर्वत शिखर और महाद्वीप से रिलेटेड है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में अलग अलग सभी में दे रखा है, तो आप बी ऑप्शन ही चेक कीजिए। पर्वत शिखर है विंसन मैसिफ, ये किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अंटार्कटिका में। तो बी का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागर और सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में बताना है आपको, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अटलांटिक, उसके बाद हिंद, उसके बाद आर्कटिक और उसके बाद दक्षिण चीन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड विवरण है, दूसरे साइड स्थान है, आपको सही आंसर बताना है। अब इसमें आप देखोगे तो आपको एक ही ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ एक एक ऑप्शन है, सभी में दो दो हैं। चलिए हम सबसे पहले बी ऑप्शन की ही बात कर लेते हैं। जब बी ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर दे रखा है विश्व का शुष्कतम स्थान कौन सा है, विश्व का शुष्कतम स्थान कौन सा है बी में पूछा गया था, तो हम बताएंगे इसमें आपका एक एक होगा। अब बी का पहला आपको दो ऑप्शन देखने को मिला, फिर सी पे जाएंगे, विश्व का धूर उत्तरी शहर कौन सा है, धूर उत्तरी शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा नी एलसुंड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगर आप एग्जाम में सुमेलित वाले क्वेश्चन करोगे तो आपका समय भी है वो जल्दी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थल है और दूसरे साइड राज्य है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आप देख सकते हो पहला दे रखा है भोज, भोज का हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर दे रखा है चंद्रताल, चंद्रताल का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में पारिस्थितिक प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती प्रणाली और कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी शक्ति किस्मों का प्रयोग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को चार चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं, किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आज मैंने इंडिया जीके की चर्चा की है, कल आपको इसी क्लास में इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चन हैं, वो किस लेवल के पूछे जाते हैं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? इस उद्योग को अहमदाबाद में पूर्वाम का लाभ प्राप्त है, अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, अहमदाबाद में निर्मित उच्च कोटि के वस्त्रों की भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग है, या अहमदाबाद को मुंबई की अपेक्षा आयात निर्यात की सुविधाएं अधिक प्राप्त है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हाड़ौती पठार पश्चिमतम मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा है वो आपके सही उत्तर हैं, पहला आपका गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आपके इंडिया जीके और एक राजस्थान जीके का क्वेश्चन आ गया। कल आपको छात्रावास अधीक्षक में राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी टॉपिक वाइज कराऊंगा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड एग्जाम के लिए, और एग्जाम होने के बाद पेपर का एनालिसिस, आंसर की कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, संपूर्ण जानकारी जितनी भी है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड से रिलेटेड वो सभी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।